उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हालात सुधारने के लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत वर्तमान समय में प्रेरणा ज्ञानोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही जो प्रेरणा ज्ञान का लक्ष्य दिया जा गया है उस पर जो छात्र और जो विद्यालय के जो सदस्य हैं कितने खरे उतरे हैं उनका भी मूल्यांकन किया जा रहा है, और जो उसमें आगे बढ़ चढ़ के आए हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी के तहत इस समय मऊ जनपद में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आप पीछे देखेंगे तो एक TLM मेला लगाया गया है। यहाँ पर तमाम तरीके के TLM सजाए गए हैं जिनसे बच्चों को सरलतापूर्वक उनका जो पाठ्यक्रम है सिखाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक देखेंगे पूरा बकायदा TLM सजाया गया है। तो ये जो TLM बनाने की आवश्यकता क्यों होती है और किस तरह बनाया जाता है सर से जानेंगे। सर अपना परिचय बताइए। हम प्रधानाध्यापक सुल्तानपुर बनौरा के प्रधानाध्यापक अजय राय हैं जी। बच्चों को सही ढंग से और आसानी से बच्चों को शब्दों का ज्ञान मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए जो है TLM का प्रयोग किया जाता है कि बच्चे जैसे गिनती पढ़ाना है तो उनको हम गोली से चाहे उसे एक दो TLM बना के और उनको आसानी से जो है TLM का प्रयोग करें और बच्चों को उसका पीड़ा ज्ञान उत्सव और पीड़ा का लक्ष्य प्राप्त करा लें। आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं कोई अच्छा सा TLM है जो सरलतापूर्वक बच्चे से पढ़ते हैं। एक यहाँ पर है, एक देखेंगे बकायदा जो स्वर लालीपॉप है, इससे बच्चों को कैसे स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है मैडम से जानना चाहते हैं। कैसे इसे बताते हैं बच्चे इतने चा मन पसंद उनका चीज़ जो फेवरेट चीज़ होती है उनकी स्वर लालीपॉप उनकी लालीपॉप ही होती है, इसलिए हमने इस चीज़ को देखते हुए उनके मन में कॉन्सेप्ट इसका बैठाने के लिए लालीपॉप के रूप में हमने इसको मॉडल के रूप में बना दिया है ताकि बच्चे देखें समझें और मन लगा करके इसको क्लास में उत्साह के साथ पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर ये है लालीपॉप, इससे बच्चों क्या होता है सरलता से जो स्वर है वो जानकारी हो जाती है और बाकायदा हंसी हंसी वो सीख लेते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में देश की राजधानी के बारे में बताने के लिए साइकिल है, वो चक्र है, उसके पहिए के अनुसार जानते हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो इधर तमाम तरह के TLM सजाए गए हैं बच्चों को आसानी से बताने के लिए कैसे हमारा किडनी काम करता है, कैसे रक्त को किडनी जो साफ करता है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह किडनी से छन के आते हैं मूत्राशय में और मूत्रमार्ग से वह निकल जाते हैं, जिससे कुछ पानी रहता है इसमें। हाँ पानी इसमें डालेंगे तो सीधे पानी इसमें आएगा, अगर पानी डालते हैं तो छन कर आ जाएगा। ये हाँ सुन ली वैसे ये बॉटल है, ये अपोजिट वर्ड्स हैं इसमें जी, जैसे ये हैप्पी है तो उसके नीचे आपका सैड है, स्मॉल है, बिग है, ऐसे सारे जितने पोजेस होते हैं सबके नीचे उनका अपोजिट दिया हुआ है। यहाँ पे फिर कंपाउंड वर्ड्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में है कुछ, यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल है, ये आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए जो बच्चे को बच्चे डोमेस्टिक एनिमल तो देख पाते वाइल्ड नहीं देख पाते तो उनके लिए है। ये फ्रूट्स नेम है, फ्लावर्स हैं इधर, ये आपका वेदर्स हैं, ये फैमिली प्लेसेस है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। ऐसा कोई टेलर मुझे जो सुनने निवेश बना हो बच्चे और जी एकदम बताए बच्चे सहभागी होकर बनाए हो जी। सबसे इजी और सुनने निवेश में ये टेलर में ये देखिए जी, ये ग्लास में बच्चे के घर पे ग्लासेस मिल जाती है आराम से, कुछ नहीं चार्ट्स है बस उस पर देखिए आराम से, जो फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं 1-2 गिनती के लिए हैं, ऐसे कब एक्साइटेड भी होंगे बच्चे इसको बनाने में, बस कुछ नहीं करना साइड से कट करना चिपकाना है उसको। अरे मैम जब आप लोग TLM बनाए तो इससे कुछ असर दिखा आप लोगों को क्या? बच्चे जो कलरफुली चार्ट्स देखते हैं उससे बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इससे देख के, जैसे अगर हम बोर्ड पे लिख देते हैं कि बेटा इसका यूज़ यहाँ होता है एम का यहाँ होता है, वो उतने एक्साइटेड नहीं होते, जितना उनको ये निकाल देते हैं तो वो खुश होते हैं। देखिए ये है, जैसे ये है यहाँ इसका होगा यहाँ इसमें कप को इसमें डालो इसमें, ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये कैलेंडर है, ये बच्चे बहुत इसमें इंटरेस्ट लेते हैं बनाने के लिए, ये चीज़ है सिंपल है बच्चे घर पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए TLM का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब बच्चे खेल में सारी जानकारियाँ पाठ्यक्रम ले लेते हैं, इसके साथ ही जो अब देखने को ये मिला है कि जो बेसिक के शिक्षक हैं वो काफ़ी अब बच्चों को पढ़ाने में रुचि ले रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के जो हालात हैं वो सुधर रहे हैं।